हेलो गाइस, वेलकम यू टू ब्यूटी बर्ग। मैं हूँ ज्योत्सना। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको गोल्डन स्मोकी आई मेकअप। ये मेकअप आप किसी भी पार्टी वेयर आउटफिट के साथ मैच कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया है एज अ टोनर। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। देन मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है। आफ्टर दैट मैंने सीबी का प्राइमर यूज़ किया है प्राइम करने के लिए अपनी स्किन को, और ये हमारे फाउंडेशन को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और स्मूथ बना देता है। देन मैंने अपने लिप को मॉइस्चराइज किया है। अब मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और मैं इसमें थोड़ा कलर एसेंस का HD पाउडर मिक्स करूँगी, क्योंकि लैक्मे का फाउंडेशन थोड़ा मीडियम कवरेज देता है। मुझे थोड़ा हाई कवरेज चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें HD पाउडर कलर एसेंस का मिक्स किया है और इसको ब्लेंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देन फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और थोड़ा सा फाउंडेशन अपनी नेक पर भी अप्लाई करेंगे और इसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके ब्लेंड कर लेंगे। याद रखना है कि ब्लेंड जो आपको करना है फाउंडेशन, वो डैब डैब करके ही करना है, रगड़ना नहीं है स्किन पे, अदरवाइज़ आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं लगेगा, स्किन में ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। अच्छे से ब्लेंड करें। नाउ मैंने लोटस का कंसीलर यूज़ किया है अपने हाइलाइटिंग एरिया को हाईलाइट करने के लिए। सबसे पहले मैंने आई के नीचे अप्लाई किया है, देन मैं अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करूँगी और इसको ब्यूटी ब्लेंडर के ऐप से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर आपके जो डार्क पोर्स होते हैं उसको भी हाइड कर देता है। नाउ हम अपने बेस को सेट करेंगे कलर एसेंस के HD पाउडर से। अगर आपके पास कलर एसेंस का पाउडर या लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी इसको सेट कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं ब्रश के हेल्प से इसको सेट कर रही हूँ। आपको भी ब्रश के हेल्प से ही सेट करना है या फिर किसी पैड से सेट करना है जो कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर मिलता है आपको। नाउ मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ अपनी ब्राउज़ को फिल करने के लिए। मेरा जो कलर है वो ब्राउन कलर है। आप किसी भी आई शेडो पेंसिल से यूज़ कर सकती हैं, फिल कर सकते हैं इसको। अगर आई शेडो पेंसिल भी नहीं है आपके पास में, तो जो भी आपके पास आई शेडो है उसमें जो ब्लैक कलर का आई शेडो होगा उससे आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। नाउ मैं अर्बन स्टूडियो के पैलेट से गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो फिंगर के हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो शिमरी कलर होते हैं वो काफ़ी पिगमेंट देते हैं अगर आप फिंगर के हेल्प से इसको अप्लाई करते हो। इसी तरह से मैं अपनी सेकेंड आई पे भी अप्लाई करूँगी। अब अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर के हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैं इन कलर पैलेट से गोल्डन कलर ले रही हूँ अपनी क्रीज को डिफाइन करने के लिए। इससे हम अपनी क्रीज को डिफाइन करेंगे। और यहाँ मैं ब्रश जो ले रही हूँ मियोन का ब्रश ले रही हूँ, यह ब्लेंडिंग ब्रश है। इससे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखाई दे। आपको अपना आई शेडो अच्छे से ब्लेंड करना होता है तभी काफ़ी सुंदर और इफेक्टिव दिखाई देता है। Thank you.
सेम प्रोसीजर हम अपनी सेकेंड आई पे भी करेंगे। यहाँ पे भी मैंने ऑरेंज कलर से अपनी क्रीज को डिफाइन किया है, अच्छे से ब्लेंड किया है। आप भी ऐसे ही ब्लेंड करिएगा जैसे मैंने किया है। देन मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर का टच भी दिया है अपनी आई में। सेम इन कलर पैलेट से मैंने कलर पिक किया है। देन मैं न्यू गर्ल का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्राउन कलर का आईलाइनर है। इससे हम थोड़ा अपना जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे एक छोटा सा वी बनाएंगे ब्रश के हेल्प से, और इसको अंदर की साइड मर्ज करेंगे। मर्ज करना है आपको अंदर की साइड, अच्छे से वी क्रिएट करेंगे और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे। बाहर से अंदर की साइड ब्लेंड करें और अच्छे से ब्लेंड करें ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखाई दे। जो आपने ऑरेंज कलर पिक किया था पहले उसके साथ इसको ब्लेंड करना है आपको, बाहर से अंदर की साइड ब्लेंड करना है जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो आई है वो और भी ब्यूटीफुल लगेगी। नाउ मैं अगेन ऑरेंज कलर पिक कर रही हूँ ब्रश के हेल्प से और अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। इसको भी आप अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी आई है बड़ी लगेगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। यहाँ पर मैंने आईलाइनर लगा लिया है। आईलाइनर का ट्यूटोरियल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो। नाउ मैं यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ और काजल को मैं अपनी हाफ आई पे लगा रही हूँ। देन मैंने गोल्डन कलर लिया है अपने इनर कॉर्नर पर लगा रहे हैं। मैंने मेकअप स्टूडियो पैलेट से इनर कॉर्नर पर लगाने के लिए गोल्डन कलर पिक किया है, और हमने जो ये हाफ ब्लैक लगाया है इसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है ब्रश की हेल्प से। देन मैं अपने ब्राउ बोन एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ सेम मेकअप स्टूडियो पैलेट से, और इसमें मैंने जो कलर लिया है वो मेरा गोल्डन कलर है। हाईलाइट करने के लिए मैंने गोल्डन कलर यूज़ किया है। आप भी अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो आप कोई भी शिमरी गोल्डन कलर या सिल्वर कलर यूज़ कर सकती हैं। देन मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ किया है अपनी आई लैशेज का वॉल्यूम देने के लिए। यहाँ मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ इन कलर पैलेट से। इन कलर पैलेट में आपको ब्रश, हाइलाइटर, आई शेडो मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा पैलेट है। तो मुझे, मैंने जो यहाँ पे पिक किया है वो थोड़ा पिंकी शेड वाला पिक किया है ब्लश, और देन मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपनी ब्राउ बोन एरिया को हाईलाइट करने के लिए किया था वो मैं अपने टी जोन एरिए, हेड, चिक पे और लिप के ऊपर हाईलाइट कर रही हूँ। मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक जो मैंने मियोन की यूज़ की है। यहाँ पर लिपस्टिक लगाने से पहले मैंने अपने जो लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया था, इससे आपकी लिपस्टिक जो है काफ़ी स्मूथ लगती है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको लिपस्टिक लगानी नहीं आती, आपकी लिपस्टिक बाहर निकल जाती है, तो आपको उससे पहले अपने लिप्स को आउटलाइन करना होगा आउटलाइन पेंसिल से, फिर आपने लिप्स को फिल करिएगा ब्रश की हेल्प से। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। So guys, this is my final look. So guys, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपने व्यूज़ कमेंट करिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। मैं आपको अपनी नई वीडियो में कुछ न्यू और डिफरेंट बताने वाली हूँ। So मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।